इंसानी प्रकृति है कि जो चीज आपको नहीं मिली है वही आपको सबसे ऊंची चीज लगती है जो आपके पास नहीं होता उस पल वही सबसे बड़ा लगता है अगर आपने दो दिनों से खाना नहीं खाया तो खाना भगवान हो जाएगा आया ना नहीं हाँ। अगर आपको यह समझ नहीं आया तो मुंह बंद करके दो मिनट तक अपनी नाक पकड़िए अब आप भगवान चाहेंगे या हवा हवा अगर भगवान खुद पूछें हवा चाहिए या भगवान आप कहेंगे आप भाड़ में जाइए मुझे सांस लेनी है क्योंकि उस पल जो भी चीज आपके पास नहीं होती वो खुद को इतना बड़ा कर लेती है कि बाकी हर चीज को ढक लेती है या दूसरे शब्दों में जब आप मजबूरी की स्थिति में होते हैं तब चीजों को वैसा नहीं देखते जैसी वो हैं वो बहुत बढ़ चढ़ जाती हैं अगर आपका ब्लैडर भरा है एक मिनट मैं आत्मज्ञान की बात कर रहा हूं आपका ब्लैडर भरा हुआ है क्या आपको रुचि होगी मुझे आत्मज्ञान नहीं चाहिए फिलहाल बाथरूम जाना ही परम मुक्ति जैसा है या ना तो चाहे जो मजबूरी हो मजबूरी की स्थिति होने पर आप किसी भी चीज को उसके असली रूप में नहीं देखते जीवन उस पल आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि यही सच है तो इस तरह इंसानी जीवन एक मजबूरी से दूसरी में जाता रहता है यह आपको चीजों को उनके उनके असली रूप में देखने का कभी समय ही नहीं देता अगर आप जीवन को वैसा नहीं देख सकते जैसा वो है तो क्या आप उसे वैसे संभाल पाएंगे जैसे संभाला जाना चाहिए बिल्कुल नहीं है ना अगर आप चीजों को उनके असली रूप में नहीं देखते तो आप उन्हें वैसे नहीं संभाल पाएंगे जैसे संभाला जाना चाहिए इसी कारण लोगों के जीवन और समाज कई तरह से भद्दे हो गए हैं जब मैं भद्दा कहता हूं तो मेरा मतलब है सामान्य मैं एक स्कूल में चौदह पंद्रह साल के बच्चों से बात कर रहा था एंड uh, वो लगभग बारहवे लड़के लड़कियां थे मैं उनसे पूछ रहा था कि वो आगे क्या करेंगे क्योंकि वो शायद दसवीं क्लास में थे वो सिर्फ नौकरी ढूंढकर पैसा कमाने की बात कर रहे थे मुझे विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि जीवन भर मैंने कभी पैसे कमाने की नहीं सोची मेरे पिता अपना सिर पीटते थे इस लड़के के दिल में डर ही नहीं है इसका क्या होगा इसका क्या होगा मैंने कहा डर नहीं होना समस्या है मुझे लगा डरना समस्या है मैंने कभी नहीं सोचा कि डर ना होना समस्या है तो परमात्मा का हुक्म था कि मैं एक डॉक्टर बनूं क्योंकि मेरे पिता डॉक्टर थे दस साल की उम्र में मैंने उनसे कहा नहीं ये तो मैं बिल्कुल नहीं बनूंगा मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा पर रोज कोई ना कोई मुझसे कहता तुम्हें सिर्फ एक डॉक्टर ही बनना चाहिए आप भारतीय परिवारों को जानते हैं डॉक्टर बनना ही पड़ता है आजकल सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है मैं मैं आठ दिन शिकागो में था दो दिन पहले ही मैं भारत आया तो आठ दिन पहले मैं शिकागो में था और वहाँ एक भारतीय व्यक्ति से मैंने पूछा आप क्या करते हैं और क्या सदगुरु यानी वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कुछ समय पहले कोई कहता और क्या तो वो एक डॉक्टर होता अब कोई कहे और क्या तो वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो डॉक्टर इसलिए नहीं बने कि उन्हें शरीर विज्ञान में रुचि थी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसलिए नहीं बने कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि है बस पैसा कमाने के लिए क्या ये जरूरी नहीं है मैं नहीं कह रहा मैं बस ये कह रहा हूं कि एक चींटी जिसका दिमाग आपसे दस लाख गुना छोटा है वो भी जीवन चला लेती है आपका दिमाग इतना बड़ा है आपको क्या समस्या है मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बुरी तरह से सीमित करने वाला विचार युवाओं पर थोपा जा रहा है कि आपको पैसे कमाने होंगे कि यही सबसे बड़ी चीज है इतना बड़ा दिमाग होते हुए पैसा कमाना क्या वाकई कोई समस्या है मैं जानता हूं कि सभी को यही मानने के लिए तैयार किया गया है पर ऐसा नहीं है मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं है मानव चेतना के लिए पैसे कमाना एक मामूली चीज है पर दुर्भाग्य से पूरी मानवता अपनी पूरी ऊर्जा और बुद्धि बस पैसा कमाने में लगा रही है अगर दुनिया में यह नहीं बदलता मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे नहीं कमाने चाहिए मैं बस यह कह रहा हूं कि इसे पूरी इंसानी चेतना पर हावी नहीं होना चाहिए अगर आप एक छोटी उंगली से काम करें तो यह पैसे कमा लेगी इसमें इतनी काबिलियत है पूरी इंसानी प्रतिभा मुरझा कर मर गई है सिर्फ इसलिए सभी सोच रहे हैं पैसे कैसे कमाएं पैसे कैसे कमाएं। फैट The <laughs> जब वो पैसा कमाने लगते हैं तो वो बैठे बैठे मोटे हो जाते हैं आपको सोचना चाहिए मैं इस जीवन के साथ क्या कर सकता हूं है ना आपको सोचना चाहिए इस जीवन के साथ सबसे बड़ी चीज मैं क्या कर सकता हूं क्योंकि एक दिन आप मर जाएंगे क्या आप जानते हैं क्या आपको पता है आप मर जाएंगे तो मरने से पहले इस जीवन को परम संभावना तक पहुंचना चाहिए है ना मैं पैसे कमाता हूं पैसे कमाता हूं लोग गर्व से कहते हैं आप क्यों नहीं देखते कि हर कीड़ा हर पक्षी हर जानवर इस धरती का हर प्राणी जीवन चला रहा है इतना गर्व कि मैं अपना जीवन चलाता हूं इसमें इतना गर्व करने की क्या बात है सभी अपना जीवन चला रहे हैं है ना सिर्फ इंसान ही इसे मुद्दा बना रहे हैं बहुत बड़ा मुद्दा जब मैं ये देखता हूं कि इंसानी बुद्धि जीवन चलाते चलाते कैसे कुर्बान हो गई है तो विश्वास नहीं होता मनुष्य कितना कुछ कर सकते थे वो अद्भुत चीजें कर सकते थे पर उसके बजाय वो पैसा कमा रहे हैं तो यह बहुत जरूरी है मैं सोच रहा हूं कि हम एक लहर शुरू करें खास तौर से स्कूलों और कॉलेजों में कि पैसे कमाना एक छोटी सी चीज है ये जीवन का प्रमुख उद्देश्य नहीं है एक छोटी उंगली से आप पैसे कमा सकते हैं इस बड़े दिमाग के साथ जब चीटियां जीवन चला सकती हैं तो इस दिमाग को पैसे कमाने के लिए संघर्ष करना चाहिए ये समस्या बन गई है क्योंकि आप किसी और जैसा बनना चाहते हैं है ना आप किसी दूसरे जैसा बनना चाहते हैं आप गुलाम बन जाते हैं और इस चक्कर में पड़ने के बाद और कुछ नहीं हो पाता आप हमेशा के लिए इसी में फंस जाते हैं अब जिस संभावना को हम योग कहते हैं वो शरीर को मरोड़ने फिट होने या स्वस्थ होने के बारे में नहीं है अगर आप प्रकृति के साथ तालमेल में हैं तो प्रकृति ये सब कुछ कर देगी ये अपने सिस्टम की जामिति के माध्यम से ब्रह्मांड की जामिति समझने के बारे में है मैं इसे जामिति कह रहा हूं क्योंकि ब्रह्मांड एक जामिति है है ना पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है यह क्या है डीजल की शक्ति क्या एक डीजल इंजन इसे धक्का दे रहा है अगर ऐसा होता तो इंजन की आवाज से हम मर जाते जामिति इतनी अच्छी है कि धरती बस घूमती ही चली जा रही है है ना आपने लगातार चलने वाली मशीनें देखी हैं क्या छोटी मशीने अगर आप बस ऐसे करें तो वो सालों तक चलती रहेंगी तो ये बस यही है जामिति की सटीकता इसे लगातार चलाती रहती है पूरे ब्रह्मांड में जामिति सटीकता है तभी अपनी जगह पर टिका है वरना नहीं टिकता अगर आप अपने शरीर को एक खास तरह से संभालना सीखें अगर आपके आप तो शरीर की जामिति बाकी सृष्टि की जामिति के साथ तालमेल में है तो अचानक एक तालमेल होगा जिसके द्वारा आप पूरा ब्रह्मांड इसमें उतार पाएंगे ये कोई छोटी चीज नहीं है अगर आप बस ऐसे जिए तो आप हड्डी और मांस का एक टुकड़ा हैं। अगर अगर आप इसे सही कर लें, तो अचानक ये कुछ और बन जाता है शायद अब लोगों को यह अनुभव नहीं होता क्योंकि आपके पास टाटा स्काई डिशनेट वगैरह है पर मान लीजिए अस्सी का दशक है और आपके घर के टीवी में दूरदर्शन चल रहा है आप अपना पसंदीदा क्रिकेट मैच देख रहे हैं अचानक आपका टीवी बूब बूब करने लगा तब आप छत पर जाते और वहां एक एल्यूमिनियम एंटीना होता था ऐसा किया कुछ नहीं आया वैसा करो कुछ नहीं आया पर उसे सही जगह पर घुमाने पर आ, दुनिया आपके कमरे में उतर आती यह भी ऐसा ही है अगर आप इसे सही रखना सीख गए तो पूरा ब्रह्मांड आप में उतर आएगा तो खुद की इंजीनियरिंग का मतलब बेहतर रूप से सांस लेना ज्यादा स्वस्थ होना नहीं है नहीं यह मनुष्य होने की पूरी क्षमता को जानने के बारे में है